हथियारों की तैनाती पर रूस ने बड़ा ऐलान किया है। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती ठीक उसी तरह करेगा जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हैं। ९९० के बाद पहली बार देश से बाहर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर रूस ने क्या कहा है समझिए, क्योंकि अमेरिका चाहकर भी इस परमाणु हथियारों की तैनाती से रूस को रोक नहीं पाएगा। रूस का कहना है कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती ठीक उसी तरह होगी जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हैं। अमेरिका के दुनिया भर में कितने परमाणु ठिकाने हैं उसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन पहले पुतिन परमाणु बम और बर्बादी के बीच बैठे नेटो का चार्टर क्या कहता है देख लीजिए। क्योंकि नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुटता के साथ दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देंगे। नेटो की सदस्य संख्या इस वक्त अमेरिका, यूरोप और उत्तर अमेरिका के सदस्य देशों के साथ 30 है। फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश भी नेटो जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहते हैं और यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने से रोकने के लिए ही पुतिन ने हमला भी किया है। रूस के राजदूत की तरफ से यह नहीं बताया गया कि बेलारूस के पश्चिमी हिस्से में किस जगह टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी, लेकिन बेलारूस का पश्चिमी बॉर्डर कहना ही काफी है, क्योंकि इससे लगे 3 देश पुतिन के बहुत बड़े दुश्मन हैं और वो हैं पोलैंड, लाटविया और लिथुआनिया। इन 3 पर हमला मतलब अमेरिका से सीधा युद्ध। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? 14 महीनों के महायुद्ध में पुतिन ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका कारण समझना बहुत आसान है कि पुतिन के पास भी परमाणु बम का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि नेटो ने भी रूस को अपने परमाणु हथियार से लैस मिसाइलों से घेर रखा है। इस वक्त अमेरिका ने ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की जैसे कई यूरोपीय देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе, на свое тактическое ядерное оружие. ये बहुत क्लियर है कि बेलारूस में पुतिन न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती तो करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति लुकाशेंको को उसका रिमोट नहीं देंगे। लुकाशेंको का परम दुश्मन है पोलैंड, इसलिए बेलारूस को रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का कंट्रोल नहीं देगा। ये हथियार सिर्फ बेलारूस में तैनात रहेंगे जो पुतिन के ऑर्डर पर चलेंगे। रूस ने पहले ही बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम बना दिया है। अब अगले महीने से पायलट की ट्रेनिंग भी शुरू करने जा रहा है। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए रूस यहां एक स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है। Мы не передаем ни США своим союзникам не передают. Они просто мы в принципе делаем все то же самое, что они делают десятилетия. Они имеют на определенных странах у союзников и готовят их носители и их же готовит экипаж. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил. रूस ने अभी बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनाती का फैसला भले किया। इससे पहले रूस ने बेलारूस में अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और न्यूक्लियर हथियार चलाने वाली इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती कर दी है। S-400 दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है।